नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो हमारे जिला में नक्शा मिलता है क्या वह सही है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल भी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों गुलजार बाग सर्वे कार्यालय पटना के द्वारा नक्शा निर्गत किया जाता है और पूरे बिहार का किया जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया सरकार के तरफ से कि आपका जो जिला है और जिला का जो सदर अंचल है वहां पर भी आप नक्शा निर्गत कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कार का नोटिफिकेशन जैसे जारी हुआ, मैंने ये मैसेज भी दिया था कि आप अपने जिला के सदर ब्लॉक से भी जो है जो सदर अंचल है आपका वहां से नक्शा निर्गत कर सकते हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन ये भी आया कि ऑनलाइन नक्शा जो है घर पर मतलब पहुंच जाएगा, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, सरकार इस तरह के नोटिफिकेशन को जारी तो करती है, लेकिन पता चलता है कुछ ही दिनों बाद जो है फिर वो प्रक्रिया में नहीं आ पाता है। लोग प्रयास तो करते हैं, पब्लिक प्रयास करती है कि उस सेवा का लाभ हम लोग लें, लेकिन उन्हें 100% नहीं मिल पाता है। तो मैं बता दूं, देखिए खुलकर मैं किसी का भी जो है खुलकर बात रख देता हूं, ठीक है। कुछ लोगों की मोनोपोली जो है ये है कि जो साधारण इंसान है इस जमीन विवाद में फंसे ही रहे और इसके विषय में उनको सुदृढ़ जानकारी नहीं मिले, इसका लाभ उन्हें नहीं मिले। कुछ लोगों की ये मोनोपोली है, अभी भी है, ठीक है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आम इंसान चाहते हुए पर भी ऐसा नहीं कर पाता है कि उस सेवा का वो लाभ उठा पाए, उन्हें नहीं मिल पाता है। अब बात आती है कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का कि जो सदर अंचल से नक्शा निर्गत करते हैं तो वह क्या काम के लायक होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर सदर अंचल से आप नक्शा निर्गत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो खेसरा लाइन होता है वो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होता है, क्योंकि ये पर्सनल मेरा अनुभव है कि जो सदर अंचल का नक्शा होता है उसमें जो खेसरा लाइन दिया जाता है, खेसरा लाइन अक्सर मोटा देखने को मिलता है, और मोटा दिखने का मतलब है वो 5 से 10 कड़ी का डिफरेंट उसमें हो जाता है। तो अगर आप नक्शा निर्गत करना चाहते हैं जमीन पैमाइश को लेकर तो आप गुलजार बाग सर्वे कार्यालय पटना से ही निर्गत करें। अगर साधारण लोग जो जमीन पैमाइश का कार्य नहीं करते हैं वो अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने सदर अंचल से आप ले सकते हैं, उसे अपने जानकारी के लिए ले सकते हैं। लेकिन उससे यूं कहें तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है कि उसके आधार पर उस नक्शा से आप फील्ड में काम ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्यादा ही मैंने देखा है, कहीं ना कहीं उसका रेखा जो है वो मोटा होता है और वो कड़ी में जो है डिफरेंट पैदा करता है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जमीन पैमाइश के लिए ले रहे हैं तो गुलजार बाग सर्वे कार्यालय पटना से लें। अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए ले रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति अगर ले रहा है जानकारी के लिए, तो वो आप सदर अंचल से ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।